आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनावों के लिए जो प्रत्याशियों का नामांकन है वो दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से हो गया है। दोनों ही राजनीतिक दल इसलिए क्योंकि एक बीजेपी, दूसरी समाजवादी पार्टी, बाकी किसी भी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में इतने विधायक नहीं है कि वो एमएलसी के प्रत्याशी घोषित भी करें और उनका नामांकन भी करवाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से 4 प्रत्याशियों का नामांकन कल ही हुआ था और आज 9 प्रत्याशियों का नामांकन बीजेपी की तरफ से हो चुका है, जिसमें उनके मौजूदा समय के 6 मंत्री भी शामिल हैं। लेकिन ये जो विधान परिषद का चुनाव है, ये विधान परिषद का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए काफी समस्याओं भरा गुजर रहा है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी में पहले उनके अपने नेता नाराज थे और उसके बाद इस एमएलसी चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद लगातार उनके जो गठबंधन के साथी हैं वो भी नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और नाराजगी इस कदर की वो नाराजगी सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया तक आ चुकी है। लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जब से गठबंधन बनाया है तब से लगातार वो हम लोगों की अनदेखी करते आ रहे हैं और कुछ उम्मीदें थी इस विधान परिषद के चुनावों को लेकर के जो कि पूरी नहीं हुई हैं। और एक चीज और अहम है, वो अहम बात यह है कि लगातार इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि आरएलडी जो कि 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 8 सीटें जीत कर आई थी, उनके नेता को राज्यसभा भेज दिया गया और हम सब जो कम सीटों पर भी अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा वोट बैंक लेकर के आए हैं, हमारे किसी भी नेता को विधान परिषद तक नहीं भेजा जा रहा है। ऐसा ही कहना है ओम प्रकाश राजभर का भी, ऐसा ही कहना है संजय सिंह का भी जो कि आपके समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथी हैं, और ऐसा ही कल केशव देव मौर्य भी कह रहे थे, महान दल वाले, उन्होंने भी कल गठबंधन तोड़ दिया और ये कहा कि जो हमारी उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खरे उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा 2 प्रमुख सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव होने हैं, रामपुर और आजमगढ़। इन दोनों ही सीटों के लिए जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है उसमें शिवपाल सिंह यादव को एक बार फिर से दरकिनार कर दिया गया है। क्यों किया गया है इस पर अभी भी कोई भी जवाब नहीं आया है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो समाजवादी पार्टी है उनकी मुश्किलें, उनके नेताओं की मुश्किलें, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर शिवपाल सिंह यादव इस पर नाराज हो गए तो। हालांकि नाराज तो एक लंबे समय से हैं, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर के भी अगर उन्होंने अपनी नाराजगी जता दी तो किसको अखिलेश यादव मनाएंगे, ये उनके सामने सवाल खड़ा हो जाएगा। पहले आजम खान को मनाने की कोशिश की गई, कई सारे जो राज्यसभा के और विधान परिषद के प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, बताया जा रहा है कि वो आजम खान के करीबी हैं और इसके अलावा उनको मनाने के लिए जितनी भी एड़ी चोटी का जोर है वो अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा था। बहरहाल अब शिवपाल सिंह यादव अगर नाराज होते हैं, स्टार प्रचारक की सूची में उनका नाम भी नहीं आया है और उनसे किसी भी तरह से कोई भी राय मशवरा पहले ही अखिलेश यादव ने लेना बंद कर दिया था, तो क्या इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा या शिवपाल सिंह यादव को होगा, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस पर भी करेंगे कि आखिर इस विधान परिषद के प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद से ही लगातार गठबंधन के साथी इतना नाराज क्यों है अखिलेश यादव से, क्या उसके पहले किसी तरह का कोई आश्वासन अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया था जिस आश्वासन पे अखिलेश यादव खरे नहीं उतरे हैं, और अगर इसी तरह से रहा तो ये जो अलायंस है, ये जो विपक्षी हैं, ये जो मजबूत विपक्ष है, ये कैसे सरकार के सामने उसकी समस्याओं को उजागर करके सरकार की समस्याओं को बढ़ाते हुए नजर आएगा। आप कुछ बयान सुनिए, उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। एक एक कहावत है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से, हैं? और हमारी पार्टी से 6 एमएलए हैं, एमएलसी बनने के लिए 31 एमएलए चाहिए, तो अभी हम उस लायक बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि एक दोहा है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो हम अभी उस मुहिम में लगे हैं कि खुद पूछें कि भाई आप बताओ आपकी क्या रजा है। गठबंधन से अलग होने का फैसला तो लगभग मैंने कर लिया है, नाराज मैं किसी से नहीं हूँ। गठबंधन से मैं इसलिए अलग होना चाहता हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी गठबंधन में
मुझे लगता है कि मुझे कहीं जगह नहीं है, समाजवादी पार्टी गठबंधन में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जब से मैं गठबंधन में आया, मैंने दिल से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहा, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे कभी भी तवज्जो नहीं मिला। जिस प्रकार और लोगों को तवज्जो दिया गया, उस प्रकार का तवज्जो मुझे नहीं मिला। आज जब MLC चुनाव की बारी आई, तो मेरा चयन न करके अखिलेश यादव जी ने जनवादी पार्टी के सारे पदाधिकारियों को निराश किया है, हताश किया है, और पदाधिकारी आक्रोश में हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे भी इस बात का दुख है। अगर ये बात सिर्फ मुझसे कही गई होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ये बात पार्टी के फोरम पर कही गई, पदाधिकारियों से कही गई, तो सारे पदाधिकारी आश्वस्त थे। और अखिलेश यादव जी ने जो फैसला किया, आने वाले 2024 के चुनाव में अगर हम भाजपा से अत्यंत पिछड़े जातियों को नहीं हटा पाए या हम अपने साथ मजबूती से नहीं जोड़ पाए, तो 2024 का चुनाव हम लड़ेंगे कैसे भाजपा के खिलाफ? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं। हमारे साथ सत्यजीत सिंह जी प्रसपा से हैं, इसके अलावा हमारे साथ अतीक खान सुभाषपा से हैं, जितेंद्र सिंह हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं, समीर सिंह हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, इसके अलावा हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से सुभाष यादव जी हैं, और रजनीकांत मिश्रा जी हमारे साथ RLD से हैं। आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अतवारा साहब आपके पास आना चाहूँगा। दो चीज़ें हो गई अतवारा साहब, एक तो जो आप पहले कह रहे थे कि अखिलेश यादव के उनके गठबंधन के जितने साथी हैं, अखिलेश यादव उनको अपने साथ नहीं रख पाएंगे, कुछ ऐसा ही हो भी रहा है। कल आपके केशव देव मौर्या अलग हो गए, और संजय चौहान का ये कहना है कि जो हमारे पार्टी के पदाधिकारियों से कहा था अखिलेश यादव ने, वो पूरा नहीं किया। ओम प्रकाश राजभर भी अपने परिवार के किसी सदस्य को विधान परिषद भेजना चाह रहे थे, नहीं भेज पाए। क्यों हुआ ये, क्या कारण रहा है? और दूसरी चीज़, स्टार प्रचारकों की सूची आई है, शिवपाल यादव को एक बार फिर से नज़रअंदाज इन लोगों ने कर दिया है, क्या कारण मानते हैं आप? कई एक दो नहीं, दर्जनों डिबेट किया है, खूब डिबेट किया है, और हर डिबेट में इस बात को मैं रखता आया हूँ, आपसे कहता आया हूँ, और आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से जनता के बीच में मैंने बात रखी थी, लोगों के बीच में बात रखी थी। जो अंदेशा था मैंने उसको दर्ज किया था, बताया था। अंदेशा हमारा शुरू से ये था कि अखिलेश यादव जी दंभ में रहते हैं, आतंक दंभ में डूबे हुए हैं, और नेतृत्व जब कोई सीखना नहीं चाहता, नेतृत्व का जब अनुभव नहीं होता है जी, तो अनुभव विहीन नेतृत्व जो है कभी सफल नहीं होता है। कभी भी कोई नेतृत्व कितना ही परिपक्व क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको लगातार सीखते रहने की जरूरत पड़ती है, और मजबूत लोगों को, अनुभवी लोगों को साथ रखने की जरूरत पड़ती है। जो समाजवादी विचारधारा के बुलंद लोग थे जी, जो अपनी आवाज से और अपने विचारों से समाजवाद को प्रभावित करते थे, उनसे अखिलेश यादव जी को सीखना चाहिए था। देखिए नितिन जी, एक बात मैं फिर स्पष्ट कर दूं जी, अखिलेश यादव जब 2012 में आए, उत्तर प्रदेश की हुकूमत पे वो काबिज हुए, तो उस समय आदरणीय शिवपाल सिंह यादव और आदरणीय मुलायम सिंह यादव की जोड़ी ऐसी थी दो भाइयों की जी, इनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पे पैराशूट से उतार के बैठा दिया गया। क्या अखिलेश यादव इस बात को भूल गए कि जिस व्यक्ति का अनुभव राजनीति का ककहरा भी ना जानता हो, और वो उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की जो कि हिंदुस्तान नहीं विश्व का चौथा बड़ा पॉपुलेशन के मामले में देश है एक हिसाब से सोचा जाए तो, उसका मुख्यमंत्री बगैर अनुभव के और बगैर किसी तजुर्बे के सीधे पैराशूट से बैठाने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने किया। तो क्या उस समय आदरणीय शिवपाल सिंह यादव की तपस्या जो थी, पेशेंस जो था, वो धैर्य जो था जिसको उन्होंने बनाए रखा कि हमें अपने भतीजे को उत्तर प्रदेश की हुकूमत इसलिए देना है कि गरीब गुरबे अगड़े पिछड़े दलित शोषित वंचित समाज का भला हो, तो क्या अखिलेश यादव जी उस बात पर खरा उतरे? क्या आदरणीय शिवपाल सिंह की सोच को उन्होंने आगे बढ़ाया? क्या आदरणीय मुलायम सिंह की सोच को उन्होंने आगे बढ़ाया? तो एक चीज नितिन जी यहां मैं स्पष्ट कर दूं, जब किसी के अंदर दंभ आ जाए, अहंकार आ जाए, और वो सीखने की कला को भूल जाए, तो तय मान के चलिए उसका पराभव होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर, हाँ जी जी ठीक है जी, मैं आता हूँ आपके पास। अतीक खान हमारे साथ सुभाषपा से हैं। अतीक खान, आप लोग भी नाराज हैं, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं मांगिए उसी से जो दे दे खुशी से, क्या मांग रहे थे आप लोग जो नहीं मिला है,
कल कई सारे ट्विटर्स पे ट्वीट भी आए आपके नेताओं के, उसमें भी काफी नाराजगी देखने को मिली है। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, साथ में ही रहना है या कहीं और जाना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो 13 नवनिर्वाचित एमएलसी हुए हैं, मेरी बधाई हूँ, शुभकामनाएं। देखिए नितिन भाई, मैं आपको 13 की 4 कि 19 अक्टूबर 13 की 4 अपने वालों को बधाई दे रहे हैं कि बीजेपी वालों को भी दे रहे हैं? मेरी बात सुन, क्लियर कर दीजिएगा। आपको बधाई दे रहा हूँ, वो सदन में आए हैं, सदन में आए हैं, तो ऐसा नहीं है, बधाई सबके लिए है, 13ों को बधाई है। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि 19 अक्टूबर 2021 को समाजवादी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, और 27 अक्टूबर 2021 को हमने मऊ में एक बहुत बड़ी महारैली का आयोजन किया था। ठीक है, उस गठबंधन में ये कहा गया था कि जो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के बाद आपको एक एमएलसी की सीट दी जाएगी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जब चुनाव हुआ तो हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और मुझे लगता है इस गठबंधन में अगर देखा जाए तो आरएलडी ने 38 सीटों पर लड़ करके 8 सीट पर विजय प्राप्त की, हमने 16 सीट पर लड़ करके 6 सीट पर विजय प्राप्त की, और लगभग 46 सीटों पर जो भाजपा की सीटें थी वो हमने अपने गठबंधन को दिलाया। तो हमारा परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा चुनाव में, और जो अपेक्षाएं थी गठबंधन को, उससे ज्यादा अच्छा बेहतर हमने काम किया है, और बहुत सारे जिलों में हमने कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप भी की है जहां पर हमारे अच्छे वर्चस्व थे। और आपको बता दें नितिन भाई कि कहीं ना कहीं हमें निराशा हाथ लगी है, क्योंकि जब हमारे साथ आरएलडी पार्टी है, मैं 38 सीट में से 8 सीट उन्होंने जीता और उनको राज्यसभा भेजा गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे हमारी शुभकामनाएं हैं, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमारी शुभकामनाएं, हमें उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन जो हमें नजरअंदाज किया गया है, कहीं ना कहीं काफी निराशा हमारी पार्टी में है, तो इसका दुख है, और हमारी पार्टी इस पर विचार कर रही है आगे क्या करना है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। ठीक है, अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, और देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो फिलहाल मामला अभी पेंडिंग ही है। ठीक है, ठीक, मैं आता हूँ। रजनीकांत मिश्रा जी हमारे साथ आरएलडी से। रजनीकांत जी, सबसे बड़ी समस्या इन गठबंधन वालों की यही है कि आप 38 पे लड़े थे, 8 पाए, तब भी आप राज्यसभा चले गए, और हम लोगों ने इतनी मेहनत की, हम लोगों को विधान परिषद में भी जगह नहीं मिली। कौन सा ऐसा आप लोगों ने गणित भिड़ाया था? देखिए, पहले तो मैं 38 पे लड़ा नहीं, मैं 33 पे लड़ा। अच्छा, हम 33 सीटों पे चुनाव लड़े। अतीक भी कह रहे थे कि नहीं, वो दोनों लोग जो कह रहे थे उसका स्वागत है, ठीक है, आगे आपको पता नहीं कितनी, इसलिए हम अभी 33 पे लड़े। 33 पे लड़े, हम 8 सीट जीते जरूर, लेकिन हमारे वोट परसेंटेज बढ़े, हमारी वजह से समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें मिली, हम 200-500 के अंदर चुनाव कितनी सीटों पर हारे हैं, तो ऐसा नहीं रहा मेरा परफॉर्मेंस रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। परसेंटेज भी तो आपका गिरा है मेरे हिसाब से, पहले मेरा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, शायद आपको नहीं पता है, ठीक है। हम 33 हाँ, हमारे 30,000 वोट ये पाए हैं पूरे प्रदेश में, ठीक है, पूरे प्रदेश में हम लड़े ही कितने हैं, हम लड़े ही तो 33,000, ठीक है, 36,30,000 वोट हम पाए, मैं यही कहने जा रहा था, आपने कुछ 1,00,000 बढ़ा के बता दिया, मैं 35 ही बोलने जा रहा था, ठीक है, नहीं नहीं 37 आप बोलने जा रहे थे, मैं 36। हाँ ठीक ठीक, थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे याद दिलाया, इसके लिए धन्यवाद। दूसरी चीजें रहेगी बात, देखिए ये बातें जो गठबंधन की, ये इस पर मेरा बोलना कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ये बातें माननीय अखिलेश जी और अभी राजभर जी और महान दल और इनके बीच में क्या चल रही है, इस पे अभी हम लोगों की कोई बैठक नहीं है, न हमारी इस पर कोई चर्चा है, न मेरे नेता से इस पर कोई चर्चा है, ठीक है, ये आपस का मामला, जहां तक अभी शिवपाल जी की बात हो रही थी तो शिवपाल जी और चचा भतीजे का मामला है, ये इनका पारिवारिक मामला है, और हम समाजवादी पार्टी के साथ जब मैं मायावती जी और हम लोगों का गठबंधन बना, मायावती जी ने गठबंधन तोड़ दिया, तभी से हमारा गठबंधन चलता रहा, हमने गठबंधन नहीं तोड़ा ना, मैं गठबंधन से अलग हुआ, 2022 के चुनाव में मैं चुनाव लड़ा, लेकिन मेरा गठबंधन तभी से और लगातार हम उस गठबंधन से अलग नहीं हुए। आपको नहीं लगता कि आगे आकर के कुछ मैं बताऊंगा आपको, अभी मुझे अभी जब कपिल सिब्बल जी ने और लोगों ने पर्चे भर दिए और ये द्वंद उठा कि शायद हमारे नेता को राज्यसभा न मिले, तमाम मीडिया के चैनल, आप लोगों ने भी तमाम सवाल किया, हम लोगों ने उस पर कुछ बोला नहीं, और न मेरी कोई नाराजगी थी, अगर हमें नहीं मिलती तो भी मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन में था
और समाजवादी पार्टी गठबंधन में रहता। ये उन्होंने डिंपल जी को पर्चा भरना था, क्या बातें हुई क्या नहीं हुई, बड़े नेताओं के बीच की बात है। फिर सुबह को डिक्लेयर हुआ कि नहीं, हमारे नेता पर्चा भरेंगे और उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। तो ऐसा नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरी पकड़ है और हमने अच्छी राजनीति की है, हमने अच्छा किसान आंदोलन में रोल अदा किया है, हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया सारी चीजों में, हमारे मुद्दे ठीक रहे और हमें 2024 का चुनाव लड़ना है, ढंग से लड़ना है। तो मेरा राज्यसभा जाना कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि जिस पर कोई वो हो, और हम तो सभी साथी जो मेरे साथ गठबंधन में हैं, मैं चाहूंगा कि सभी आपस में विचार विमर्श करके सारे बड़े नेता बैठें और इस पर कहीं कोई दिक्कत है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। हमें इस पे हमें बहुत कुछ जाने का अधिकार। आप लोग के साथ अगर ऐसा होता तो आप लोग नाराज होते? बिल्कुल नहीं होते। मेरे नेता ने मैं इसमें मेरे ट्वीट पढ़ा है, जिस दिन दो पर्चा भरा उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, नथिंग है। जैन जी के द्वारा निर्देश था दिल्ली कार्यालय से हम लोगों को कि आप लोग राज, हम लोगों को अगर कुछ आक्रोश आया भी तो मेरा नेता बहुत कूल है, उन्होंने कहा नहीं राज्यसभा मिलना नहीं मिलना अलग बात है, आप लोग इस पे कोई बयान नहीं देंगे। उस दिन जैन जी का एक साल पूरा हो रहा था तो हम मीडिया चैनल पर, हमने कहा एक साल पूरा होने पे बात करना हो तो करिए, राज्यसभा पर हम लोग अभी कोई आपको वक्तव्य नहीं दे। ठीक ठीक ठीक। जितेंद्र सिंह हमारे साथ बीजेपी से, समीर इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, सबके सुन लीजिए। जितेंद्र जी, ये आपने सुना ही होगा कि लगातार समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के साथी हैं उनसे नाराज हैं क्योंकि किसी को विधान परिषद में सीट नहीं मिली तो किसी को राज्यसभा में नहीं मिली। इसके अलावा सब ये आरोप लगा रहे हैं कि आरएलडी ने पश्चिम में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था उससे आधी भी नहीं जीत पाए, लेकिन उसके बावजूद उनके नेता को राज्यसभा भेजा जा रहा है। हम लोग के साथ ही इस तरह से क्यों आचरण दिखाया है अखिलेश यादव ने? तो रजनीकांत मिश्रा जी हैं हमारे साथ आरएलडी से, उन्होंने कहा कि नाराजगी नहीं होनी चाहिए, हम लोग भी मेहनत करे थे और हम लोगों का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है, हम लोग ने सीटें भी अच्छी खासी वहां पर गेन करी हैं, पश्चिम में मजबूत हैं हम, काफी चीजें उन्होंने बताई हैं। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में ऐसा क्यों हो रहा है और आगे क्या और हो सकता है? जय श्री राम जी, आप सभी को जी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उन नीतियों को जनता ने स्वीकार किया और उनके आधार पे ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। विपक्ष के पास समाजवादी पार्टी है, उसके पास एक तरह से टकराव की स्थिति में है और उन्होंने जो गठबंधन करते हैं, कुछ चुनाव के पहले गठबंधन हो जाते हैं, चुनाव के बाद टूट जाते हैं, इस तरह के गठबंधन की उनकी प्रक्रिया पहले भी है। उससे पहले के चुनाव में जो 2019 का चुनाव हुआ था, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, उसके बाद बुरी तरह फ्लॉप हुआ, तो वो गठबंधन वालों के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं, शायद इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। जी आपकी आवाज कुछ डिस्टर्ब कर रही है मुझे लग रहा है। चलिए, इनकी आवाज को डिस्टर्ब करी, सब समीर सिंह के पास चलेंगे हम। समीर, सत्यजीत जी कह रहे हैं अपरिपक्वता है, वही झलक रही थी। अतीक ने भी कहा कि हाँ हमसे कहा गया था लेकिन हमें वो चीज़ मिली नहीं। आपने बयान सुना संजय चौहान का, उन्होंने भी इस बात को कहा कि हमारे पदाधिकारियों से कहा गया था लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिली, क्या कहना? नितिन जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, सुभाषपा, महान दल, अपना दल कमेरावादी और संजय चौहान जी की जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, जब इन सब पार्टियों ने एक साथ मिलकर 2022 का चुनाव नाम नहीं लिया जी, प्रस्पा का नाम इसने लिए इसलिए नहीं लिया क्योंकि चाचा जी जो है शिवपाल सिंह जी हमारे, वो हमारी ही सिंबल पे लड़े, नाम तो फिर मैंने, आप फंस जाएंगे समीर जी, नहीं जी नहीं, क्योंकि अभी जब आप लोग विधायकों की बैठक करते हैं तो आप कहते हैं कि वो दूसरे पार्टी से, नाम बहुत सारे हैं नाम पे, अगर फिर मैं स्वामी प्रसाद मौर्या जी का भी नहीं लिया मैंने, नाम कई और है जिनको जिनका नाम नहीं लिया, दल का नाम लीजिए। और अगर सत्यजीत जी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं, मेरा नाम, मेरे मन से नाम छूट गया, पर इंटेंशनल नहीं लग रहा है, इंटेंशनल नहीं था सत्यजीत जी। बाकी मैं आपकी जो आपने वक्तव्य रखा है उस पर अपनी प्रक्रिया दूंगा, लेकिन जैसे अभी आरएलडी के सर के सर हमने सुना कि इन्होंने क्या बातें बोली, अतीक भाई ने भी अपनी बातें बोली, तो देखिए एक परिवार है, उस परिवार में नाराजगी होना लाजमी है, कुछ बातें अगर आपस में नहीं बन पाती हैं तो उस पर भी नाराजगी न्याजगी व्यक्त करने में कोई बड़ी बात नहीं है और कुछ गलत नहीं है। समाजवादी पार्टी और जितने भी सहयोगी दल हैं
उनमें किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि वो उनकी उनको नाराजगी है किसी बात की, तो वो व्यक्त कर सकते हैं और व्यक्त कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया के थ्रू कर रहे हो, चाहे ऐसे। मेरा तो इनफैक्ट ये कहना है कि मीडिया के थ्रू जो मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी नाराजगी व्यक्त करी जा रही है वो ना हो तो बेटर है, क्योंकि सब परिपक्व राजनेता हैं, सभी पार्टी के लीडर्स, सभी पार्टी के राष्ट्रीय नाराजगी जता रहे हैं अपनी। वो नाराजगी अखिलेश जी से, अगर उनको, क्योंकि आहत अखिलेश जी के डिसीजन से हैं ऐसा वो बताया जा रहा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करें, जैसे कि अभी हो भी रहा है कि एक सर्वदलीय बैठक बैठने वाली है, तो सर्वदलीय बैठक में जो भी नाराजगियां हैं, जो भी मुद्दे हैं, जो भी बातें हैं, वो आपस में रख के उस पर विचार विमर्श करके जो भी हल निकलता है वो हल निकल जाना चाहिए। रही बात इन MLC चुनावों की, तो 4 सीटें थी और राज्यसभा की चुनाव में हमारे पास 3 सीटें थी, तो कोई बहुत बड़ी संख्या में सीटें हमारे पास नहीं थी जिसमें हम सबको अकोमोडेट कर सकें। और जब जिन बातें होती हैं तो हम एक बात भूल जाते हैं कि हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, देश की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है। पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक, बुंदेलखंड, अवध मिला के हमारी पार्टी का काडर इतना बड़ा है कि पार्टी के काडर के बारे में जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनमें भी नाराजगियां होती हैं और वो भी नाराजगी व्यक्त करते हैं, तो वो हमसे अलग नहीं है, या वो उनको, हमें ऐसा नहीं कि हम उनकी उपेक्षाएं कर रहे हैं या उनको धोखा दे रहे हैं। पार्टी एक मिशन के साथ लड़ी थी कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में, इस प्रदेश से हटाना है, और जितने भी शोषित वंचित वर्ग है, जितने भी मजदूर हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इनको न्याय दिलाना एक सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, और इसमें सभी दल, चाहे वो सुभाषपा हो, चाहे वो प्रसपा हो, चाहे वो कोई भी हमारे जो सहयोगी दल हैं, सबका एक ही लक्ष्य था, एक ही मोटिव था कि हमें सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है। और 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का कार्यकाल था उसमें हमने देखा कि क्या क्या दिक्कतें हुई समाज प्रदेश में, किस तरीके से कानून व्यवस्था की दिक्कत थी और कई और मुद्दे थे जिनके बारे में हमने, जिनके बारे में जनता के सामने रख के अपना चुनावी रण रखा हुआ था। उस बात पे हो सकता है कि कुछ आश्वासन भी दिए गए हों, हालांकि जितना मेरा मानना है कि कोई आपस में कोई गठबंधन जो था, कोई भी सहयोगी दल किसी लालच के चलते नहीं, एक विचारधारा और एक कंबाइंड मोटिव, कॉमन मोटिव के ही चलते साथ में चुनाव लड़े थे। अब अगर चुनाव हम जीत जाते तो सिचुएशन अलग होती, चुनाव जीत जाते तो हमारे पास मंत्री पद भी होते, चुनाव जीत जाते तो हमारी मात्रा बड़ी होती, राज्यसभा और MLC भेजने की भी हमारी क्षमता ज्यादा होती, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमें लगता कि जितनी भी सीटें थी उसमें अतीक खान का भला किया जा सकता था या महान दल का भला किया जा सकता था। जी भला सबका किया जा सकता था, हमारे कई सारे के साथ ही ऐसा क्यों किया, हमारे समाजवादी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जिनके टिकट कटे हैं, उनका भी भला किया सकता था, तो भला सबका किया सकता था, अकोमोडेट सबको किया सकता था, लेकिन सबको अकोमोडेट करने के लिए जगह नहीं मौजूद थी। तो ये बात समझना चाहिए हमारे जितने भी सहयोगी दल हैं, और अगर उनकी, मैंने पहले भी कहा कि उनको अगर निराशा हुई है तो वो निराशा बहुत जायज है, वो उनका हक है, क्योंकि वो हमारे परिवार का हिस्सा है, उनका हक है निराश होना और अपने अपनी खेद व्यक्त करना। और वही अगर जो सर्वदलीय बैठक जो मीटिंग होती है वो जल्द ही होगी, तो उसमें सारे जितने भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हर पार्टी के, वो मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर बैठेंगे और ये सारी जितनी भी दिक्कतें हैं इनके बारे में कैसे इनका निवारण हो इस बात में बैठेंगे। लेकिन प्रसपा के जो प्रवक्ता ने भी बात बोली, बाकी सारी बातें ठीक है, मैं एक बात में बस खाली थोड़ा खेद व्यक्त करना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी को अनुभवहीन बोलना या ये कहना कि पैराशूट से उतर आए हैं, ये बात कुछ हद तक नहीं सही है, क्योंकि अगर अखिलेश ये कहना, क्योंकि ये खुद अपने नेता जो कि हमारे चाचा जी हैं शिवपाल सिंह जी के डिसीजन पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं, क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह जी ने दोनों ने मिलके ही उनके ही सजेशन, सुझाव और उनकी ही सहमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, और अनुभवहीन नहीं थे। अनुभवहीन अगर होते तो इतना कार्य जो हम 2022 का चुनाव लड़े थे वो हम इस मुद्दे पे भी लड़े थे कि हमने क्या क्या विकास कार्य किए हैं, तो हमने वो विकास कार्य ना कर पाते, और उसमें बहुत बड़ा रोल शिवपाल जी का भी था, उससे कोई उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है। लेकिन ये कहना कि अखिलेश जी नहीं ठीक है या वो पैराशूट से उतरे हैं या उनके पास अनुभव नहीं है, ये बस कहना मेरे को लगता है इस पॉइंट पे। ठीक ठीक, मैं आता हूँ सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से। सुभाष जी, सबकी बातें आपने सुनी, क्या कहना है आपका? नितिन जी, सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि अभी अनुभवहीन और परिपक्वता की जो बात आई थी, सत्यजीत जी ने बोला था और उसी चीज को समीर भाई ने भी रिपीट किया और बहुत सही बात बोली इन्होंने
मैं मुझे लगा शायद इस मुद्दे से इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन वास्तविकता है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह इनके अखिलेश यादव जी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता जो है परिपक्वता की कमी, क्योंकि वास्तविकता ये है कि अभी जब गठबंधन दलों की बात आ रही थी कि वो गठबंधन के दल है इसलिए उनको बुलाया जाएगा, उसमें शिवपाल सिंह यादव को ये समाजवादी पार्टी का विधायक मानते हैं, वो मानेंगे भी क्योंकि उनके सैंपल से चुन के आए, लेकिन कृष्णा पटेल का क्यों नहीं मानते भैया? ये कृष्णा पटेल भी तो समाजवादी पार्टी के सैंपल से चुनकर आई हैं, उनको आप दूसरे दल का नेता मान लेते हो? हमारे अतिक खान साहब बैठे हो, इनकी 6 सीटें जीती है, जिसके अंदर से मेन अगर एक सीट है जहाँ से इनकी एक महिला प्रत्याशी जीती है आजमगढ़ से, वो समाजवादी पार्टी के सैंपल से जीती हैं, तो वो भी तो दूसरा दल हुआ। तो समीर भाई, ये होती है अनुभवहीनता की कमी, थोड़ा सा आप भी इस पर वर्क करिए। जब आप शिवपाल सिंह यादव को बोलते हैं कि उनको क्यों बुलाया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, बाकी दूसरे लोग जब सैंपल से जीत के आते हैं समाजवादी पार्टी से, आप उनको दूसरे दल का काउंट कर लेते हो, ये दूसरी चीजें क्यों हो रही हैं? फिर गठबंधन में भी नहीं गिनते, फिर गठबंधन में भी आप उनको नहीं गिनते हो, तो इस पर वर्क करिए आप। यही होता है अनुभवहीनता, जिसको आपने अभी चैनल पर बोला, इसको एक बार सोचिएगा। अब आते हैं सरकार बनाने के ऊपर। 2012 के अंदर जब सरकार बनी थी समीर भाई, तो अखिलेश यादव जी चेहरा नहीं थे, ना अखिलेश यादव जी के चेहरे के ऊपर सरकार बनी थी। उसके अंदर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का और शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत बड़ा रोल था, और उस समय उत्तर प्रदेश की जनता को भी ये थोड़ी पता था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने वो नेताजी की रजामंदी थी या शिवपाल सिंह जी की रजामंदी की वजह से बने, अदरवाइज चेहरा अखिलेश यादव नहीं थे। अगर उस समय अगर वो चेहरा होते तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि 2012 के अंदर भी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनती। उस पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ही जल्दी से जो सिरे से नकार देते हैं ना शिवपाल सिंह यादव जी की, अगर शिवपाल सिंह यादव जी के संगठन की क्षमता अगर देखी जाए ना, अगर उनको टिकट दिए होते तो मैं यहाँ पे किसी दूसरी पार्टी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सत्य प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शायद 8 या 10 सीटें जीत के दिखा भी सकती थी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उनका संगठन बाकी पार्टियों से बहुत कम समय के अंदर बढ़ा है, आप इसको भी ध्यान रखिए। नितिन जी, यहाँ पे जो बात आती है ना ये MLC को देने की, तो यहाँ पे जो RLD का जो फैक्ट है, यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात और गंभीर वाली बात है कि RLD जब भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जब से भी जुड़ी है, उन्होंने पूरा ईमानदारी के साथ गठबंधन का धर्म निभाया है, ये इनका प्लस पॉइंट है। अगर इसके ऊपर कोई एलिगेशन लगा दे कि भैया वो 33 लड़के 8 जीते हैं, उनको राज्यसभा भेज दिए, हम 16 लड़के 6 जीते, हमको MLC नहीं भेजे, सबसे बड़ी होती है लॉयल्टी। इस मामले में मैं अतिक भाई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता है कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वास पात्र नहीं है, हर पार्टी के नेता बोलते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं भैया कभी भी आएंगे रिकॉर्डिंग करके सुना देंगे, ये तो विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो ये भी हो सकता है रीज़न रहा हो। और रही बात गठबंधन के अंदर MLC वगैरह देने की, तो सबकी अलग अलग लालसाएँ रहती है, अब क्या डिसीजन लेके दिया गया, क्या नहीं लेके दिया गया। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि समाजवादी पार्टी के जो घटक दल हैं, शायद अखिलेश जी इनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं। अगर कॉन्फिडेंस में लेते तो 2012 से लेकर 2022 तक आके ना जाने कितने गठबंधन उन्होंने बनाए और कितने गठबंधन टूटे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अखिलेश जी किसी भी गठबंधन के सहयोग को भरोसे में ले नहीं पाते, इसी वजह से उनका ये हश्र हो जाता है। ठीक है, सत्यजीत जी, समीर सिंह आपकी बात से नाराज हो गए, किसी बात से कह रहे थे कि आपने क्यों कह दिया अखिलेश यादव को कि परिपक्व हैं वो। नितिन जी, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता ना, पर्दा कब तक डालते रहेंगे आप? पर्दा उठेगा, और पर्दा उठेगा तो पर्दे के पीछे क्या है तो पता चलेगा। तो शुरुआती दौर में कुछ दिनों तक जो आभा मंडल आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का था, जो आभा मंडल आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का था, उस आभा मंडल के पीछे अखिलेश जी छिपे हुए थे, और जैसे इन्होंने अपने आप अपने ही हाथों से उस पर्दे को हटा दिया, कहने मतलब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जैसे दिग्गजों को हटा दिया, अनुभव में जो माहिर थे, जो अनुभवी थे, उनको हटा दिया, तो पर्दा हटते ही सब कुछ साफ हो गया। तो इनको करना क्या चाहिए था, इनको पर्दा जो था उस पर्दे के पीछे ही इनको अनुभव प्राप्त करना चाहिए था, और उस अनुभव का लाभ लेते हुए, और अनुभव कहाँ से लेते, अपने वरिष्ठ लोगों से, जो समाजवादी लोग हैं, जो वरिष्ठ समाजवादी हैं, जिन्होंने दशकों तक राजनीति की है, जिनका एक लंबा कैरियर रहा है, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ही नहीं, उनके जैसे जितने भी नेता थे, इनको छांटना चाहिए था, ढूंढना चाहिए था, और उनसे अनुभव लेते और सबको बांधे रखने की कला सीखते, और सबको बांध कर ही कोई संगठन चलता है, अकेला चना भार नहीं पोता है, बार बार मैं कहूंगा इस बात को नितिन जी। और ये अगर सबको बांधे रखते और सबको बांध के चलते, सबका सम्मान करते और वरिष्ठ लोगों को जो है सम्मान देते, तो शायद ऐसी दुर्दशा ना होती। समीर सिंह कुछ कहेंगे जी? इतनी जितनी बातें भी हुई हैं वो अखिलेश जी की अपरिपक्वता और उनकी अनुभवहीनता पे, तो
मैं ये नहीं, सत्यजीत जी कह रहे हैं कि अगर वो परिपक्व नहीं होते तो शायद सबको बांध करके रखते हैं, उनका गठबंधन जो इधर उधर भाग रहा है, जी, तो शायद इसमें कहीं ना कहीं वो बॉन्डिंग वाली कमी रह गई है। नितिन जी, हो सकता है कि अगर ये चुनाव हम जीत जाते, जो कि हम जीत भी सकते थे, और बहुत ऐसा नहीं है कि हमें बहुत मार्जिन से हार गए या एकदम धराशायी हो गए, तो आज सत्यजीत जी भी ये बात ना बोल रहे होते और सुभाष जी भी ऐसी बातें ना कर रहे होते। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या है कि रिजल्ट के बेसिस पे आप किसी को एनालाइज कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी उन्होंने कहा कि जो गठबंधन हुए, देखिए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी भी करती है, रिजल्ट के बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है जी। रिजल्ट के बेसिस पे आप एनालिसिस कर रहे हैं तो फिर रिजल्ट के बेसिस पे आप ये भी एनालाइज करिए कि किस तरीके से जो 2017 में जो गठबंधन हुआ था उसको अखिलेश जी ने खत्म नहीं किया था, 2019 में जो गठबंधन हुआ था वो मायावती जी के साथ हमने खत्म नहीं किया था। मायावती जब भी समाजवादी पार्टी गठबंधन में आती है, अगर आप देख लीजिए कि दोनों जो इससे पहले बड़े दलों के साथ गठबंधन थे, दोनों बड़े दलों के साथ गठबंधन जब थे तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल करके जितनी सीटें मांगी गई थी उतनी सीटें दी गई थी। इससे पहले दोनों के दोनों चुनाव में ये देखे, इस बार भी देखिए, ये जो प्रस्ताव के अभी जो प्रवक्ता बात कर रहे हैं, मैंने इनसे बहुत विनम्रता से इनसे क्षमा भी मांगी कि मुझे इनकी बात का बुरा भी लगा तो मैंने उसके लिए क्षमा मांगी, लेकिन ये बात समझ नहीं रहे। इनको बुरा सिर्फ इस बात का लग रहा है कि इनको लग रहा है कि शिवपाल सिंह जी के साथ गलत हो रहा है, बाकी इनको किसी चीज से मतलब नहीं है जी। आप अभी भी ये भूल रहे हैं कि शिवपाल सिंह जी चाचा जी आज भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे विधायक हैं, वो हमारे विधायक हैं, तो ऐसे अपफ्रंट होके एकदम बगावती सुर जो है आपने लगा रखे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है और ये गलत है। नहीं तो ये एक चीज ये थी कि स्टार प्रचारक प्रचारक की सूची बनाया, उसमें भी आपने शिवपाल जी को जगह नहीं दी, क्या कारण रहा भाई जी? इतना क्या ऐसा क्या नाराजगी है जी अपफ्रंट? जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ये बात भी उठी थी जब शिवपाल सिंह जी एकदम अपफ्रंट, सत्यजीत जी सुनिएगा कारण बता रहे हैं, शिवपाल सिंह जी मैं कह रहा हूँ कि एक कारण हो सकता है कि अपफ्रंट जब शिवपाल सिंह जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया था और अखिलेश यादव जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो हमारे साथ नहीं हो सकता, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जी, जो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने उनका ये दावा था, क्योंकि अब आप देखिए कि जिस बात अगर समाजवादी पार्टी के आप समाजवादी पार्टी के अगर सिंबल पे चुनाव लड़े हैं, आप वहाँ के विधायक हैं और आप सदन के पटल पे अगर अपफ्रंट होके जाके बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे हैं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है, तो ये बात गलत हो जाती है क्योंकि आप उनके विपक्ष में हैं, तो आप उनके अगेंस्ट चुनाव क्यों लड़े सर? आप अगर वो इतने अच्छे हैं, तो आप उनके खिलाफ, अगर उनकी नीतियां अच्छी थी, अगर उनके कार्य अच्छे थे, तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चुनाव हमने इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना, देखिए क्या कह रहे हैं समीर, क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहते हैं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव समाजवादी विचारधारा के है कि नहीं? जी बिल्कुल समाजवादी विचारधारा के, ऐसा अब उनकी पार्टी का नाम भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है और इस बात पे जी आप ये कैसे आरोप लगा रहे हैं कि मैंने अपनी विचारधारा बदल दी? जी आपकी विचारधारा पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा, मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूं विचारधारा समाजवादी है तो दूरी क्यों, ये बताइए दूरी क्यों? जी दूरी क्योंकि राजनीतिक दूरी बढ़ाने की कोशिशें हो रही है। अगर आपके अगर आप क्यों दे रही जी, अच्छा अगर क्या कहते हैं सिर्फ अखिलेश यादव जी प्रगतिशील, सत्यजीत जी अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को 10 सीटें दे देते या 20 सीटें 25 सीटें दे देते तो आज क्या आप ये क्वेश्चन उठा रहे होते? नहीं नहीं क्या आपको नहीं लगता समाज, तब फिर सोच में तब फिर विचार में विचारों में डिफरेंस नहीं आता क्या? क्या आदरणीय शिवपाल सिंह यादव क्यों जी अगर इतनी ही देखिए एक समाजवादी पार्टी का जब जो 2017 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, वो सबको पता है, वो नहीं होना चाहिए था, सबको पता है, जितने भी अटली से समाजवादी पार्टी के था। अच्छा, उसके बाद एक नया दल गठित, भाई साहब एक क्वेश्चन का उत्तर आप दे दीजिए। रथ यात्रा आपने देखी थी, जब अखिलेश यादव जी रथ यात्रा पे सवार थे तो उस समय आपने उस सीन को देखा था, एक तरफ आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के बड़े भाई जिनका मैं सम्मान करता हूँ, जो समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े द्योतक है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी बैठे होते हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ, दूसरी तरफ दूसरी सीट पर आदरणीय अखिलेश यादव जी बैठे होते हैं, ठीक उसी जगह पे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव डंडे पे बैठे होते हैं, क्या ये औचित्यहीन है या उचित है आप बताइए इसका? आप एक चीज का उत्तर दे दीजिए, अगर थोड़ा भी सम्मान होता आदरणीय अखिलेश यादव जी के अंदर तो यही कहते
एक तरफ मेरे चाचा बैठेंगे। जी सत्यजीत जी, जो बात आप कह रहे हैं अब ये आपको हमारे सिर पे। जी सत्यजीत, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को नष्ट नाबूद कर दूंगा। वो अच्छा होता कि ये अच्छा, आप उत्तर दे दीजिए एक प्रश्न का। जी बिल्कुल, इसी और साथ में आके चुनाव जो लड़ा था, जो सिंबल पे अगर शिवपाल सिंह जी को अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाया था तो बात यही थी कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में उखाड़ फेंकना है, उनको नेस्तनाबूद कर देना है। हाँ, लेकिन जी, अगर आवाज मिल रही है, लेकिन उसके ये सतजी जी आवाज मिल रही है आपको? समीर सिंह कह रहे हैं कि हमने शिवपाल जी को सपा के सिंबल पे चुनाव लड़ा दिया, इसका मतलब यही था कि हमें बीजेपी को हराना था। सोफे वोफे वाली बात छोड़िए आप जी, एक चित्र के ऊपर जो आप आकलन लगा रहे हैं, कयासे लगा रहे हैं, जिस तरह की उसको अगर उसके साथ साथ जब जितनी बार अतरणी अखिलेश यादव जी शिवपाल सिंह जी के पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो फिर वो भी देख। ठीक है समीर, सुभाष जी कुछ कह रहे थे, समीर सुभाष जी कुछ कह रहे थे, अतीक खान और रजनीकांत जी, मैं आता हूँ उसके बाद आपके पास। हाँ देखिए भैया, नितिन भैया यहाँ पे वास्तविकता, ये अनुभव वाली फिर बात आ गई। इन्होंने समीर भैया ने बोला कि परिणाम से एक परिणाम से डिसाइड नहीं किया जाता, जबकि वास्तविकता ये है कि सफलता और असफलता से ही व्यक्ति का आकलन किया जाता है। 2017 के अंदर ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस से गठबंधन हुआ तब भी पूरे प्रदेश जानता है कि मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल सिंह यादव जी उस गठबंधन को नहीं चाह रहे थे। अखिलेश यादव ने गठबंधन किया और 100 से अत्यधिक सीटें कांग्रेस को दे दी। हश्र क्या हुआ 2019 के अंदर जो बहन जी से गठबंधन हुआ, ये सारे लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर या जो उसका वोट बैंक है वो ग्रामीण का है, शहर का नहीं है। सीटों का कैलकुलेशन कर लीजिए, समाजवादी पार्टी ने कौन कौन सी सीटें ली और कौन कौन सी सीटें बीएसपी को दे दी, परिणाम क्या हुआ। यही सब तो अनुभवहीनता है। इसको आप बार बार अगर ढकने का प्रयास करेंगे कि नहीं अनुभवहीन नहीं है, अनुभवहीन नहीं है, चार चार चुनाव इनके नेतृत्व के अंदर हो गए और चारों चुनावों के अगर परिणाम देखे जाएं तो सिर्फ और सिर्फ असफलता हाथ लगी है। सफलता असफलता से ही आकलन किया जाता है, इन सब चीजों को जानना जरूरी है। दूसरा ये है कि अतवारा जी के प्रश्न से एक असहज हो गए थे ये, जब उन्होंने पूछा कि सवाल के अंदर क्या बता दीजिए, क्या हम समाजवादी विचारधारा के नहीं है? अगर वो चाचा मानते हैं, जैसे कि समीर भाई बोलते हैं कि हमारे चाचा हैं, हम भी चाचा बोलते हैं, सम्मान देते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। सम्मान दिल से होना चाहिए, मुंह से सम्मान नहीं होना चाहिए। अगर सम्मान होता तो उस सोफे पर शिवपाल सिंह यादव जी बैठे होते, बल्कि उस डंडे पे जाके बैठे होते अखिलेश यादव के अपने चाचा के बगल के अंदर, पूरा प्रदेश देखता कि हाँ ये है चाचा और भतीजे की ट्यूनिंग है, ये है उनकी बॉन्डिंग। तो प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो उखाड़ने की जो अब बात कर रहे हैं, ये तब हो गया होता। सीटों की भी अगर बात आई कि आप सिर्फ भाजपा को हराने के लिए उनको एक सीट दे दी, अरे आप शिवपाल सिंह यादव जी को सिर्फ एक सीट के अंदर आकलन कर रहे हैं? संगठन क्षमता देखिए उनकी, समाजवादी पार्टियों को उस ऊंचाइयों पर लेके आने वाले सिर्फ एकमात्र मुलायम सिंह यादव जी नहीं थे, उसके अंदर शिवपाल सिंह यादव जी का भी उतना योगदान था। आज आप उनकी विचारधारा को बोलते हैं भाजपा से प्रेरित विचारधारा है, ये हार की कुंठा है, हार की कुंठा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो के जितने भी अब तक के कदम हुए हैं गलत ही हुए हैं, और अभी भी ये अपने सहयोगियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर यही रवैया रहा तो 2024 की जो बात कर रहे हैं, 2024 के अंदर अब इनके पास पांच हैं, पांच क्या है, तीन बचे हुए, दो पे वाई इलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, 2024 का निर्णायक समय भी आ जाएगा, पता चल जाएगा इनकी हालत क्या होने वाली। ठीक है रजनीकांत मिश्रा जी, ये सत्यजीत जी कह रहे हैं कि अपरिपक्वता और अनुभवहीनता अखिलेश यादव में है, तो क्या ये सही है? बाकी आपने सुभाष जी की बात सुनी है, क्या जवाब देंगे? देखिए आज की डिबेट तो माननीय अखिलेश जी और शिवपाल जी पे हो गई, बाकी चीजें तो नगण्य हो गई। मैं एक चीज तो खुले दिल से कहूंगा कि शिवपाल जी का योगदान समाजवादी पार्टी को नहीं भूलना चाहिए, और शिवपाल यादव ने समाजवाद पार्टी को बढ़ाया। मुलायम सिंह जी ने का खुद का बयान है, ये हमारा बयान नहीं है, माननीय मुलायम सिंह जी का बयान है जो मैंने कई चैनलों पर कई टीवियों पर सुना। अब ये पारिवारिक मामले में क्या है क्या नहीं है, शिवपाल जी ने अपना उनके साथ गए समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, ये इनके आपस की बात ही तो रही होगी ना, इसमें न लालोद न सपा न भाजपा न कोई किसी के कोई। लेकिन ये सत्यजीत जी कह रहे हैं इसी वजह से जो अपरिपक्वता और अनुभवहीनता है, इसी वजह से अब ये गठबंधन है वो गड़बड़ हो रहा है। ये हम कैसे कह दें को अपरिपक्व, ये सत्यजीत जी कह रहे हैं वो भी गठबंधन के साथ ही है। ये मैं नहीं कह सकता उनको कि वो परिपक्व नहीं है, इसलिए नहीं कि उनके बहुत सारे डिसीजन ठीक है। शिवपाल सिंह यादव जी, मिश्रा जी, एक ये सत्यजीत जी कह रहे कोई डिसीजन बता, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को
जो ये चीजें चली, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कभी भाजपा के खेमे में, कभी कहीं कभी कहीं नजर आए, कभी मुख्यमंत्री के साथ, अब तो सन्नेता सदन भी चाचा कहने, वो चाचा ही बन गए। सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में वो चाचा जी ही हो गए, योगी जी भी चाचा कहने लगे। और ये क्या रहा? अरे कुछ दिन इंतजार करिए, आपके भतीजे हैं, आप बंद कमरे में बात करिए ना उनसे, आप डंडे पे बैठा के इंतजार करवाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो डंडे बिल्कुल आपका नहीं, नहीं इस तो मैं इस सवाल आपके इस सवाल से मैं इस सवाल से आपके मैं वाकिफ नहीं हूँ। और ये सवाल गलत है, ये गलत ये है कि उनको डंडे पे बिठाना ठीक नहीं था। तो उनके चाचा वो उनके चाचा नहीं भी होते, हमारे अंदर धैर्य था। अरे सत्यजीत जी, अवतारा जी, वो उनके चाचा नहीं भी होते तब भी उनको डंडे पे नहीं बिठाना था। तो क्यों नहीं कहते? ये गलत है, ये अगर वो किए हैं तो ये गलत है। आपको अखिलेश यादव की कमी को आप कहिए, आप सुनिए ना, तो मैं कह तो रहा हूँ कि ये गलत है। वो तो उनके चाचा हैं, अगर वो उनके चाचा नहीं होते तो भी नहीं बिठाना चाहिए। सुनिए, यादव जी को नहीं करना चाहिए था। मैं कह तो रहा हूँ, अब कैसे कहूँ? वो तो चाचा हैं, अगर वो चाचा नहीं रहते, एक बुजुर्ग आदमी को एक डंडे पे नहीं बिठाना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति में नहीं होना चाहिए। अगर ये मैंने टीवी चैनल पे नहीं देखा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं ऐसा है तो ये गलत है। ये आपका वर्जन है, मेरा वर्जन नहीं है। अगर आपका वर्जन सही है तो ये गलत है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजनीतिक व्यक्ति हो तो वो जानता ना हो इस बात को। अगर ये आपका बात सही है तो ये गलत है। बाकी जो राजनीतिक समीकरण है, ये उनके पारिवारिक मामले हैं, वो उनसे क्या है, क्या बातें हैं, ये तो आपस में अभी तो सारे दलों के बिठाने की बात हो रही है। शिवपाल जी तो घर के हैं, उनको बिठा के तो बात होनी चाहिए। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, बहुत देर हो जा रही भाई साहब। और आप समझ लें कि राजनीति में वेट एंड सी का फार्मूला नहीं चलता है। राजनीति में निर्णय लेने की क्षमता त्वरित होनी चाहिए, और निर्णय लेने के साथ उसको क्रियान्वयन करने की भी क्षमता होनी चाहिए कि कैसे उसको क्रियान्वित किया जाए और लोगों को कैसे बांधे रखा जाए। टिकट के समय हो जानी चाहिए, जब टिकट बट रहे थे उस समय हो जानी चाहिए। कोई गलत हुआ क्यों नहीं हुआ? ये बात तो सपा बताएगी क्यों नहीं हुआ, ये दोनों लोग बताएंगे। समीर सिंह, हम लोगों को गठबंधन में लोगों को बिठा के टिकट थोड़ी ना बट रहा था। आत्ममंथन करने की जरूरत क्या अखिलेश यादव को नहीं थी? आत्मचिंतन करने की जरूरत नहीं थी? हार के कारणों का सही सही विश्लेषण करने की सभी दलों को बैठा करके क्या जरूरत नहीं थी? बिल्कुल जरूरत, सभी दलों की बैठक उन्होंने इसलिए नहीं की, इनको करना चाहिए था। बिल्कुल जरूरत है, आप आइए और बैठिए और विचार कीजिए कि किन वजहों से हमारे क्या वजह था कि हमारा पराभव चला जा रहा है। 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने बड़ी परिपक्वता से गठबंधन किया, कुछ लोग नाराज भी हुए, उसका रिजल्ट ठीक नहीं आया, और मायावती जी ने 10 सांसद निकाल के तुरंत हमको छोड़ दिया गठबंधन को। क्यों छोड़ दिया भाई? आपके साथ धोखा क्यों होता है? मतलब धोखा हो गया, धोखा हो गया। अब धोखा तो आदमी खा ही जाता है, धोखा देने वाला तो गलत होता, उसमें धोखा खाने वाला नहीं होता है। राजनीति तो इसलिए हो रही है कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी का भला हो, इसलिए नहीं हो रही है कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव का भला हो, उसी को सोच के गठबंधन हुआ था, उसी को सोच के फिर गठबंधन। क्या 24 करोड़ की आबादी का भला इसी तरीके से होगा कि मतलब आप धोखा खाते जाएंगे? और राजनीति क्या चुनाव के मुद्दे, क्या चुनाव के मुद्दे गलत थे? क्या महंगाई पे लड़ना गलत था? क्या किसानों पे लड़ना गलत था? क्या इन चीजों पर लड़ना गलत था? ये मुद्दे गलत थे, उन गलत मुद्दों को आप क्यों नहीं प्रस्तुत कर पाए? नहीं नहीं, हम वो गलत था, हम लड़े, हम लखीमपुर खीरी के सवाल उठाए, गलत था, वहाँ लोगों की जवान थे जब तो नहीं है। आधे का क्या, हम उस पर मुद्दा बनाए तो क्या गलत था? मन से लड़ाई लड़ी जाती है और आधे मन से कोई युद्ध नहीं जीता जाता, पूरे मन से युद्ध जीता जाता है। ठीक है सर जी, ठीक। अतीक खान क्या कह रहे थे, जल्दी से पूरी कीजिए अपनी बात, फिर जितेंद्र सिंह के पास चलेंगे। जितेंद्र जी ने सबकी बात सुन ली है, उनसे जवाब लेंगे। हाँ नितिन भाई, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी की काबिलियत पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, वाकई वो काबिल आदमी है। रही बात दूसरी, ये आपके नेता क्यों कह रहे हैं कि मांगा उससे जाए जो खुशी खुशी दे दे, आप कह रहे सवाल निकला करना है। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
बिल्कुल आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राज्यसभा भेजा गया, हमने उसका स्वागत किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह लगा कि हमारे साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हुई है और हमें अपनी बात रखने का पूरा हक और अधिकार है। बिल्कुल सही बात। आज आप देखें कि आजमगढ़ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गए और सपा के प्रत्याशी से मुलाकात की और अपने सारे कार्यकर्ताओं ये बयान भी उन्होंने वहीं पे दिया है, ये बयान भी उन्होंने वहीं पे दिया है। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सचिव जी ने माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने कहा कि 2024 और 27 का चुनाव हम सपा के साथ लड़के सपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो हम सपा के साथ थे हैं और रहेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक परिवार में दुख होता है तो हमें हम अधिकार है कि अपना दुख व्यक्त करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, खुश हैं और पार्टी के साथ ही रहेंगे। नहीं, ये खुशी मजबूरी वाली खुशी है या फिर आपको लग रहा है कि ठीक है इसी तरह से आगे फिर देखा जाएगा शायद मौका मिले? नहीं देखिए नितिन भाई, जब एक बड़ा परिवार होता है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ऐसे डिसीजन। आपके नेताओं ने कल ट्वीट किया था और उसमें दोहरी मानसिकता जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। अतीक भाई, यही जल्दी गाजी है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दोहरी मानसिकता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है आपके नेताओं ने अखिलेश यादव के लिए। नहीं, उन्होंने नितिन जी एक ट्वीट और भी किया था, इनके जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं उनके सुपुत्र ने एक और ट्वीट किया था, इसके अंदर इन्होंने लिखा था इस बात को कि हमारी पार्टी उनके साथ है और 2024 और 27 का चुनाव हम साथ में। ऐसा तो नहीं कि आप लोग ने जल्दीबाजी में ट्वीट कर दिया, अब ये लग रहा है कि गड़बड़ हो गया है। नितिन जी मैं पढ़ के सुना दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरुण राजभर जी ने ट्वीट कर नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा कि भागीदारी देने की बात सिर्फ युवा तक सीमित रखने से जनता उनको सीमित कर देती है। ये इशारा किसके तरफ था? जनता सीमित कर देती है, ऐसी चीजें किसके लिए आप लोगों ने कही है? अतीक खान बचने की कोशिश कर रहे हैं आप। हमारा ये अधिकार था, हमें दुख हुआ, हमने अपना दुख व्यक्त किया। अब दुख इस तरह व्यक्त करेंगे कि आप जिस गठबंधन के घटक दल उसी को आप एलिगेशन लगा के बोलेंगे कि जनता उनको सीमित कर देगी? ये कौन सा दुख है भैया? एक तरफ दुख और एक तरफ बोल रहे हो कि नहीं हमने अपना, अरे ऐसी कोई बात नहीं। अरे सार्वजनिक रूप से मीडिया के अंदर ट्वीट आया है आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरविंद राजभर जी का। उन्होंने बोला है कि जिस प्रकार वो हमें सीमित कर रहे हैं जनता भी उन्हें सीमित कर देगी। तो जनता किसे सीमित करेगी? यानी आपकी गठबंधक जैसे समाजवादी पार्टी सीमित करेगी ना? एक तरफ आप ही के सुप्रीमो के पुत्र उन्हें सीमित करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप बोलते हो कि अरे हम तो साथ हैं। तो ये कौन सा भैया साथ है? वही सुप्रीमो के पुत्र ने ये भी कहा 2024 और 2027 का चुनाव हम साथ में मिलकर। रही बात हमारे उनसे क्या बात है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है और उसमें जो भी तय होगा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा। इसमें कोई मुझे नहीं लगता है किसी तीसरे बंदे को इसमें इंटरफेयर करने का कोई अधिकार है। ठीक है, ठीक, मैं आता हूँ। जितेंद्र सिंह हमारे साथ बीजेपी से हैं। जितेंद्र जी, आपने सबकी बात सुनी और इस बात को कहा जा रहा है कि आप परिपक्वता और अनुभवहीनता की कमी है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव में और इसी वजह से वो अपने गठबंधन। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव को लेकर के यहाँ पर सत्यजीत जी हैं प्रसपा से, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि अपरिपक्वता और अनुभवहीनता है अखिलेश यादव में और इसी वजह से वो अपने गठबंधन को कभी भी बचा करके नहीं रख पाते, चाहे 19 का चुनाव हो गया हो या फिर बाकी चुनाव हो रहे हो या फिर अभी मौजूदा समय की बात हो। इसके अलावा समीर सिंह सपा से हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप परिपक्व और अनुभवहीन होते तो 2022 से पहले, माफ कीजिएगा, 2017 के पहले जब उन्होंने अपनी सरकार चलाई है तो उसमें उन्होंने इतने बेहतर काम किए थे जिसको लेकर के जनता में काफी खुशहाली भी थी। नहीं ऐसा था, जो उस समय उनको शासन मिला था तो फिर उत्तराधिकारी के नाते मिला था, जैसे राजतंत्र होता था दूसरा राजतंत्र की तरह था कि माननीय मुलायम सिंह जी बड़े विश्व नेता है, उनके वो पुत्र थे इस नाते उनको सत्ता मिल गई, तो सत्ता पे एक तरह से समझो केंद्र उनको जरूर थे, कहीं ना कहीं से उनको गाइड कर रहे थे जो उनके नेता जी। और आज स्थितियां जब उन्होंने सेल्फ निर्णय लिया तो सेल्फ निर्णय में उनके निर्णय गलत हो रहे हैं, जो भी निर्णय वो ले रहे हैं वो पहले की तुलना में वो अच्छे नहीं है। आप ही देखिए विघटन चाहे 17 आपका या 19 का चुनाव था, 19 के चुनाव में भी उनमें मायावती जी के साथ जो उनका गठबंधन हुआ था वो नहीं चला। इसके बाद आपके अभी जो गठबंधन हुआ वो केवल गठबंधन जो होता है चुनाव के दौरान होता है, जो चुनाव के दौरान गठबंधन किया गया और चुनाव के बाद तुरंत वो टूट जाए तो कहीं ना कहीं से कोई कमी है। तो इसमें अपरिपक्व है नहीं है ये सब अलग चीजें हैं, लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहता हूँ कुछ ना कुछ कमी है, बिखराव है और पार्टी में बिखराव ये पता चल रहा है जो अभी लोग आप लोग सभी लोग बैठे हैं इसी से लग रहा है कि इनमें आपस में बिखराव है, भिन्नता है और बिखराव की स्थिति में कोई भी विपक्ष अच्छी तरह नहीं चल सकता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि
इसमें किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं होता, जो कहते हैं वो करते हैं। सुशासन की नीतियों पे भारतीय जनता पार्टी आज आगे बढ़ी है, सुशासन की। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर भी नाराज है, जो आपके पुराने साथी थे वो भी नाराज है विधान परिषद के प्रत्याशियों की वजह से। यही देखिए ना, कि वो इन्होंने स्वार्थ के चक्कर वो चले गए किसी लालच पर, लेकिन आज उनकी स्थिति वही हुई जो पहले ज्यादा हुई होगी, क्योंकि उनको जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रहते हैं उनके साथ समानता का व्यवहार होता है, सबको एक साथ देखा जाता है। अगर किसी पार्टी का जो दल उनके गठबंधन में है उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, और इस पार्टी में इस तरह का हो रहा है तो इसीलिए टकराव की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के जो आज की तारीख में जो हमारे एमएलसी के चुनाव जा रहे हैं वो सभी जीतेंगे, और इसके कारण यही है कि इनमें टकराव है, इनमें पक्षपात करना, ये करना, ये निर्णय लेना, ये सब चीजें इनमें, हम ये नहीं कहेंगे उनमें मेच्योरिटी नहीं है या कमी नहीं है, कमी है, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से ये बिखराव है। तो विपक्ष का बिखराव जो है वो एक तरह से ये है कि राजनीता के लिए लोग पार्टी का बातें स्वार्थ के लिए आए जुड़े, मतलब मौका नहीं मिला प्रॉफिट को निकल के, तो इस तरह की चीजें हो रही इन लोगों का। अच्छा, ये लोग जो नाराज है अगर इधर उधर जाएंगे तो बुलाएंगे आप? नहीं, पार्टी है, देखो ये जो राजनीता के लिए जो हमारे साथ आना चाहता है उसको मना नहीं है। अतीक खान सुन रहे हैं आप भाई, जो भी व्यक्ति जो, अतीक खान स्वागत है आपका, अतीक खान किसका, आपका स्वागत है। जितेन जी कह रहे हैं, नहीं जितेन जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, जितेन जी कह रहे हैं कि जिसको भी आना है आ सकता है। बाकी जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं वो जो भी बोल रहे हैं वो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को तो मैं, मेरी दरख्वास्त है कि वो इस बारे में ना बात करें तो बेहतर होगा, क्योंकि 2002 में इन्होंने बहन जी के साथ सरकार बनाई और वहां पे फिर हमने देखा कि हश्र क्या हुआ था उसका। तो जब खुद के गिरेबा में आप झांक के देखें दूसरे पे कमेंट करने से पहले। और रही बात कि कम से कम गठबंधन का जो धर्म निभाने की बात है, तो कम से कम हम विपक्ष में रहने के बाद और इतनी सीमित अपॉर्चुनिटीज होने के बाद कम से कम हमने आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, उनको राज्यसभा भेजा। भारतीय जनता पार्टी सरकार होने के बाद, केंद्र में सरकार होने के बाद इन्होंने कौन सा गठबंधन का धर्म, कितने इन एमएलसी के चुनाव में देखें या उससे पहले राज्यसभा के नॉमिनेशन में देखें, इन्होंने कितने अपने सहयोगी दलों के मेंबर्स को भेज दिया राज्यसभा या एमएलसी। तो इनको तो ये भी नहीं है कि नहीं, बहुत सीमित ऑप्शंस हैं। और बात कर रहे हैं कि जब हमारी हमारे दल से अपर्णा यादव जी गई तो उनके साथ भी क्या कहते हैं, हमें भी अच्छा लगता कि अगर उनको कोई पद दे दिया जाता, उनको एमएलसी बना दिया जाता या राज्यसभा भेज दिया जाता। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, हमें उम्मीद है कि कोई अच्छा पद उनको दे दिया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी ने जितने खुले दिल से उनका स्वागत किया था उतने ही खुले दिल से अब भी उनकी खुले दिल वाला बड़ापन दिखाए। जितेन जी सुना आपने, जवाब दीजिए जी। क्लियर नहीं आ रहा, मतलब आवाज नहीं क्लियर हुआ। ये समीर सिंह कह रहे थे समाजवादी पार्टी से कि आप लोग हमें सीख मत दीजिए, आप लोग भी तो अपर्णा यादव और किसको किसको लेकर के गए, लेकिन किसी को भी कहीं नहीं भेजा, ना विधान परिषद ना राज्यसभा, आपने किसको किसको भेज दिया, बहुत लोग आपके यहाँ भी नाराज हैं। ये हमारे यहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, सबके साथ न्याय होता है, बस ये है कि समय के आधार पे चलते हैं, कब किसको कहाँ पे लाना वो सब निर्णय दिया जाएगा। पार्टी आलाकमान निर्णय लेता है, वो लेता है सबके, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आधार पे काम होता है। ये नहीं है कि अपना यादव जी आए तो उनका स्वागत भी हुआ, स्वागत भी हुआ, और उसके बाद जहाँ जरूरत हुई वहाँ पार्टी अपना जो हमारे वरिष्ठ नेता वो निर्णय लेंगे और उनको भी सम्मान मिलेगा। ठीक है, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जो हलचल है वो अभी भी तेज़ है, विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, बीजेपी ने सरकार भी बना ली है, लेकिन उसके बावजूद अब कई सारे जो चुनाव हैं वो उत्तर प्रदेश में लगातार होते जा रहे हैं। पहले अगर हम देखें तो विधान परिषद के चुनाव, उसके बाद राज्यसभा के, लोकसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं, और उसके बाद फिर से विधान परिषद के चुनावों को लेकर के आज काफ़ी रस्साकशी जो राजनीतिक है वो उत्तर प्रदेश में मची हुई है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के साथी हैं वो उनसे नाराज़ हैं, वही समाजवादी
वादी पार्टी जो चुनाव के नतीजों के बाद ये कह रही थी कि हम इस बार मजबूती से विपक्ष में रहेंगे और बीजेपी की समस्याओं को बढ़ाएंगे, लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे की रणनीति इन विपक्षी दलों के गठबंधन के साथियों की क्या होगी। क्या ये साथ में ही रहेंगे या फिर अपने कुछ साथियों के साथ अलग हो जाएंगे। फिलहाल आज की इस डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।